जय पवन कुमार तेरी शक्ति है अपार। हे बजरंग बली विनती सुन ले मां, जय पवन कुमार तेरी शक्ति है अपार। हे बजरंग बली विनती सुन ले मां माता अंजनी। हे गाइस वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड। दोस्तों आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने इस वीडियो को पहले कभी ना कभी तो देखा ही होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता दूं कि इस वीडियो का ट्यूटोरियल मैंने पहले अपलोड किया था। रामनवमी फेस्टिवल के लिए VFX एडिटिंग कैसे करना है उस पर मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा था। तो यार बहुत लोग का कमेंट आया था इस वीडियो पे कि आपने ये टिकटॉक वाले इफेक्ट कैसे लगाए और दोस्तों वीडियो को शूट कैसे करना है, वो सब बहुत लोग ने कमेंट करके रखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि वीडियो को शूट कैसे करना है, और VFX की ट्यूटोरियल तो मैंने ऑलरेडी दे के रखी, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। रही बात वीडियो पे जो टिकटॉक वाले इफेक्ट कहाँ से डाले, वो ऐप कौन सी है, वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप VFX एडिटिंग कर रहे हो तो आपको माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आप कोई भी एरिया में शूट करो वो एरिया ज़्यादातर खाली होना चाहिए और उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्काई दिखना चाहिए। तो शूटिंग के दौरान आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा स्काई लेना है तो आपको कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी जहाँ पे स्काई ज़्यादा दिखता हो, या फिर अगर आपके वीडियो में ज़्यादा स्काई नहीं आता तो मेरी ट्रिक अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे लो एंगल से ज़्यादातर शूट लिया है, लो एंगल के शूट होने की वजह से स्काई ज़्यादातर वीडियो में आ रहा है, और VFX एडिटिंग के लिए ऑब्वियसली स्काई होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब बारी आती है VFX एडिटिंग की, तो इस पर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा है। जाओ यार मेरी चैनल पे चेकआउट करो, आपको मिल जाएगा वो ट्यूटोरियल, कैसे बनाते हैं वो देख लो, शूट कैसे करना है वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो गाइस अब बारी आती है उन लोगों की जिन लोग ने कमेंट किया था कि टिकटॉक ऐप में जो इफेक्ट आती है वो इफेक्ट हमें दूसरी ऐप में कहाँ मिलेगा। तो यार आपके लिए मैंने इस एप्लीकेशन को ढूंढ निकाला है, VivaCut नाम है एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा लेकिन ये पेड वर्जन है, अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर भी लोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे यूज़ करने के लिए। तो यार इसका मैंने मोड वर्जन ढूंढ लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मेहनत से ये एप्लीकेशन मिली है यार, जाओ यार डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से। और दोस्तों हनुमान जयंती के लिए आपको स्टेटस या वीडियो बनाना है VFX एडिटिंग का, तो इसके लिए मैंने वीडियोस इमेजेस हनुमान जी के सभी मैंने डाउनलोड करके रखे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो सबने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस तो देख ही लिया होगा और वीडियो को कैसे इंपोर्ट करना है वो भी आपको पता ही होगा। वीडियो लाने के बाद वीडियो पे क्लिक कर लेना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे एक VFX का अलग से ऑप्शन दे के रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे VFX इफेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे TikTok के इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। TikTok एप्लीकेशन में जितने भी VFX के इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा सेट कर देना है आपके वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एडिट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये एप्लीकेशन की मेरे को दो चीज़ें बहुत ही पसंद आई, उसी की वजह से ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में अभी इंस्टॉल है और आपको मैं ट्यूटोरियल भी बता रहा हूँ। तो पहली बात, इस एप्लीकेशन में वो इफ़ेक्ट है जो TikTok में भी है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप पहले इफेक्ट डाल दोगे वीडियो में तो आपको TikTok में डालना नहीं पड़ेगा, और TikTok पे जब आप अपलोड करते हो और इफेक्ट डालते हो तो आपका वीडियो फट जाता है। इस एप्लीकेशन में अच्छे से बहुत ही हाई बिट रेट में वीडियो सेव होगा, फुल HD में भी वीडियो सेव होता है। और दोस्तों दूसरी बात, इसमें कलर फिल्टर और कलर एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं, इसकी मदद से आप सिनेमेटिक वीडियोस पे भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई हो या फिर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि यार हमने बहुत से ट्यूटोरियल बना के रखे हैं जिसको आप देख के आप बहुत कुछ एडिटिंग में सीख सकते हो सके तो दोस्तों कमेंट भी कर देना। तो चलिए यार मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।